हेलो दोस्तों, मैं हूँ गरिमा। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल गरिमाज यमी फूड रेसिपीज़ पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो एकदम नई है, साथ ही एकदम रिच रेसिपी है, जिसका कि नाम है सोया के कड़ाही कबाब। जी हाँ, ये रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ। पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा, साथ ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा, और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं सोया के कड़ाही कबाब। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों इस रेसिपी के नाम से जाहिर है कि ये है सोया कढ़ाई कबाब, तो हमें जो है सोयाबीन की बड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सोयाबीन की बड़ियाँ लेकर एक बड़े बर्तन में रखी हुई हैं। और अब हमें करना ये है कि हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, और गर्म पानी आप अच्छा वाला गर्म पानी डालें, जिससे कि हमारी बड़ियाँ जो हैं अच्छे से भीग जाएँ, क्योंकि सोयाबीन को बड़ियों को भिगाए बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है हम इन बड़ियों को भिगा देते हैं पहले, और इस तरीके से अच्छे से चला दें। और उसके बाद से बड़ियों को हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होंगी कि सोयाबीन की बड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाती हैं, इनमें नमी आ जाती है। उसके बाद से हम इसका करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो अभी जो है 20 मिनट के बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सोयाबीन की बड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। इनको हम अभी करना ये है कि बस इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर इनका पानी सब हम अलग कर देंगे। ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल ना रहे। तो चलिए पहले मैं इसे निचोड़ लेती हूँ और फिर बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने जो है सारी बड़ियों को काफ़ी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो जब हम निचोड़ें तो इसमें पानी ना निकले, तो कुछ इस तरीके से निचोड़िए। और उसके बाद से हमें करना ये है कि मिक्सी का जार लेकर हम इसे दरदरा सा क्रश कर लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है इन सोयाबीन की बड़ियों का, हमें बस इनका एक क्रश तैयार करना है। तो चलिए पहले हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोयाबीन का क्रश बनकर तैयार है, पर अभी इसमें एक और ट्विस्ट है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे हम थोड़ा सा साइड कर देंगे। और यहाँ पर इसी मिक्सी के जार में आप देख रहे हैं कि मैंने जो है 5 से 6 सोयाबीन अलग रखे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ हमें कुछ चीज़ों को और ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी मिर्चें, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो आप जो है अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्चें डाल लें। साथ ही हैं लहसुन की कलियाँ। इसके अलावा हमें चाहिए होगा अदरक के कटे हुए टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 टेबल स्पून अदरक का टुकड़ा लिया है। तो अदरक के बाद अब जो है हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ। साथ ही अब इसमें जाएगी 2 वाइट ब्रेड। जी हाँ, हमें ये वाइट ब्रेड चाहिए। और वाइट ब्रेड के इस तरह से टुकड़े करके हम जो है मिक्सी के जार में ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको। और सोया के साथ ही हम जो है इस मिक्सचर को जैसे पहले पीसा है वैसे ही यहाँ पर पीस लेंगे। तो चलिए मैं ढक्कन लगाकर जो है पहले इन चीज़ों को पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ब्रेड और सोया का मिक्सचर है वो पीस कर तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरीके का पीसा है। इसे भी जो है हम इसी बोल में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पिसा हुआ मिक्सचर है वो सारा इसमें डाल दिया है। और अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। और अब यहाँ पर टाइम है कुछ मसालों को ऐड करने का। तो सबसे पहले हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर। और ये जो कढ़ाई कबाब है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे से बनते हैं, तो इसलिए जो है मसाले थोड़े से ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, इसके अलावा इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। साथ ही हम यहाँ पर डालने वाले हैं थोड़ी सी सौंफ। और बस अब यहाँ पर हम जो है सारे मिक्सचर को एक डो के फॉर्म में ले आते हैं। तो इसके लिए अच्छे से हाथों से मसल मसल कर हम इस डो को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डो हमने रेडी कर लिया है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसके कबाब रेडी करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाथों पर घी लगाएंगे इस तरीके से, और घी लगा लगा कर कबाब रेडी करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है थोड़े से छोटे साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के ही कबाब बनाएं। अच्छे से हाथों से दबाते हुए इस तरीके से हम जो है
कबाब बनाकर रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें किस तरीके से बनाना है। उसके बाद से इसी तरीके से उठाकर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। जितनी देर में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे उतनी देर हम इसको फ्रिज में रख लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक थोड़े से चौड़े मुँह की कढ़ाई। ध्यान रखें कि हमें एक चौड़े मुँह की कढ़ाई की ज़रूरत होगी। और मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, और इसके बाद से फ्रेंड्स इसमें जाएगा थोड़ा सा देसी घी। और इस सब्ज़ी में जो है थोड़ा सा तेल या घी जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो ज़्यादा लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी जो है तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इस समय हम डालेंगे यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, जैसे कि मैंने डाली है 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, साथ ही जावित्री के कुछ टुकड़े। इसके साथ ही अब यहाँ पर जाएगी बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को आप देख रहे हैं कि मैंने कितना बारीक काटा हुआ है। हमें इसी तरीके से प्याज को कट करना है। तो प्याज को चलिए पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमें इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। और इसके बाद से जो है इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी सी कच्ची महक जाने तक भूनेंगे। तो अभी जो है दोस्तों मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लिया है, और एक बार मैं फ्लेम को सिम कर दिया है। और इसके बाद जाएगा लाल टमाटर का पेस्ट। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ कुछ पिसे हुए मसाले टमाटर के साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मीट मसाला। तो मीट मसाला जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन किंग मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीट मसाला डाल रही हूँ। और कई लोग ये सोचते हैं कि मीट मसाला जो है वो नॉनवेज होता है। जी नहीं, ये नॉनवेज नहीं होता है, और इसमें जो है कुछ अलग टाइप के मसाले जो है वो मिक्स होते हैं, इसलिए मीट मसाले का जो फ्लेवर है वो इस टाइप की रेसिपीज़ में काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा है गरम मसाले का पाउडर। और अब इन मसालों के बाद जाएंगे कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैं ग्रेवी में नमक ऐड कर देती हूँ ग्रेवी के अकॉर्डिंग, और नमक हमने कबाब में भी डाला है। साथ ही हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हम इस सब्ज़ी को काफ़ी चटपटा सा बना रहे हैं, तो लाल मिर्च का पाउडर मैं ज़्यादा ले रही हूँ। इसके बाद है धनिया का पाउडर। और इसके बाद से इन सारी चीज़ों को इस टमाटर के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि मसालों को ढक देंगे और इसे छोड़ देंगे धीमे फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप चाहें तो मसाले को स्टर करते रहें, पर ये मसाला जो है भुनने में 4 से 5 मिनट का टाइम तो लेगा। तो अभी जो है 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। मसाले को हम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने मसाले को चला दिया था, तो जिस तरीके से इसमें जो है ऑयल दिख रहा है, तो हमारा मसाला जो है लगभग एकदम तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इस मसाले से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में नॉनवेज बन रहा हो। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और अब टाइम है इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करने का। तो चलिए पहले हम पानी ऐड कर देते हैं इसमें। और अभी जो है मैंने लिया है ग्रेवी के लिए गर्म पानी। गर्म पानी से ग्रेवी हमारी जल्दी पक जाएगी, साथ ही जो है ग्रेवी का स्वाद भी अच्छा आता है। तो आप भी जो है गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा। मैं अक्सर जब भी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ तो ग्रेवी में गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ग्रेवी थोड़ी और पतली रख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं सोयाबीन के कढ़ाई कबाब। तो इसलिए जो है सोयाबीन जो होता है जब ग्रेवी में जाता है तो पानी काफ़ी तेज़ी से सोखता है। तो इसलिए जो है ग्रेवी का ध्यान रख कर जो है फिर आप पानी डालें, क्योंकि सोयाबीन जब इसमें आएगा, मतलब कबाब जब इसमें आएंगे, तो वो पानी थोड़ा सा और पियेंगे, ग्रेवी को और गाढ़ा करेंगे। तो उस हिसाब से आप ग्रेवी को रखें। और अभी यहाँ पर चलिए हम पहले ग्रेवी को पकने देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी में हमारी उबाल आ गया है। एक बार मैं ग्रेवी को सिम फ्लेम पर करके और 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ, जिससे ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रेवी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, एकदम टेम्पटिंग सा है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे जो कबाब बना कर रखे थे, इन्हें हम
एज इट इज़ यहाँ पर ग्रेवी में ऐड करेंगे। और ध्यान रखें कि हमें इस तरीके से थोड़ा सा दूर दूर पे ऐड करना है और कबाब को बिल्कुल भी चलाना नहीं है स्पून से। हम इसे इसी तरह से ग्रेवी में जगह जगह फैलाकर एडजस्ट कर देंगे। और ये जो हमारे कबाब हैं ये ग्रेवी में ही पकते हैं, इसी तरीके से जो कढ़ाई कबाब होते हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी जगह मिले इस तरीके से कबाब को एडजस्ट कर दें। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक बार थोड़ा सा तेज़ किया है जिससे कि ग्रेवी में तेज़ उबाल आ जाए, ग्रेवी अच्छी सी गर्म हो जाए। इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा रहे हैं ढक्कन और मैं फ्लेम को कर रही हूँ मीडियम और इसे हम छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ध्यान रखें कि बीच में हमें बिल्कुल भी स्पून से इन कबाब को हिलाना नहीं है, हमें इसे ऐसे ही पकाना है इसी टेम्परेचर पर मीडियम फ्लेम पर। और 5 से 6 मिनट के बाद फिर जो है चलिए हम इसे चेक करेंगे। तो अभी जो है 5 मिनट हो चुके हैं और कबाब को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब हमारे, और ध्यान रखेंगे कि हमें इन्हें स्पून बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो गरम गरम में ये कबाब टूट सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं इन्हें ऐसे ही चला रही हूँ। और अभी हमारे कबाब जो है लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा इन ऊपर वाले कबाब पर मैं ग्रेवी डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी करें, नहीं तो गरम गरम में कबाब टूट सकते हैं। अब जो है यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हरी धनिया की पत्तियाँ और मैं गैस को बंद कर रही हूँ इस टाइम पर। और इसे हम छोड़ रहे हैं एक बार 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से बंद कढ़ाई में। एक बार हम 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद से जो है ये कबाब कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो है इस कढ़ाई कबाब को रखे आधा घंटा हो चुका है और ये देखने से ही लग रहा है कि ठंडा भी हो गया है और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। तो चलिए हल्का सा इसे चला लेते हैं और अब ये टूटेगा नहीं क्योंकि हमने इसे अच्छे से पकाया था, अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि इसे चलाने से पहले इस तरह का स्पून यूज़ करें, ना ही गोल वाला ना ही कोई और बड़ा स्पून, इसी तरह का स्पून आपको यूज़ करना होगा, तभी आपके कबाब जो है प्लेट में एकदम जो है साबत जाएंगे, तो देखने में भी और खाने में हर तरीके से अच्छे लगेंगे। तो चलिए एक बार हम कबाब को सर्व करके भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सोया के कढ़ाई कबाब बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, एकदम रिच टेक्सचर के साथ ही एकदम नवाबी अंदाज में बने हुए सोया के कढ़ाई कबाब ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलूँगी अपने नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।